नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, 7 तारीख को 2 शिफ्ट और 8 को 1 शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो चुका है, यानी कि 3 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस तीनों शिफ्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ रजनीश सर है, आप देखते होइएगा, बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़ते हैं, लगभग 10-10 हजार 20-20 हजार बच्चे शिक्षक अभ्यर्थी लाइव जुड़ते हैं। तो सर के पास अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी आकर मिल चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो फोन कॉल पर भी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन को लेकर और एक बात आप जान जाइएगा, सर ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं और आप लोग जब एग्जाम से निकल रहे थे तो केवल और केवल यही बता रहे थे कि ज्योग्राफी का प्रश्न घुमावदार आ गया, तो इससे अच्छा एनालिसिस कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें कट ऑफ भी सर बताएंगे। सर का जो 20-25-50 हजार विद्यार्थी से जो लगातार जुड़ाव चल रहा है उसी को सर्वे करके बताया जा रहा है। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू सो मच आपको भी। सर ज्योग्राफी का प्रश्न बहुत हार्ड रहा, विद्यार्थी रिव्यू आप भी देखे होइएगा। अब हार्ड रहा, उन लोगों का कहना है कि इंडियन ज्योग्राफी नहीं आया। सर इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पेपर पिछले बार भी वर्ल्ड से आया था, ज्योग्राफी का पिछले बार पेपर देखा था। पिछली बार और इस बार के पेपर में अंतर ये है, पिछले बार सीधा फैक्ट पूछा गया था कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है। इस बार वैसा प्रश्न नहीं आया, कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब वन लाइनर इस बार नहीं आया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा सा देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक होता है, कम समय होता तो रट लेते हैं कॉन्सेप्ट, हम लोग पढ़ते नहीं, क्लास में ही पढ़ाया जाता तो नहीं पढ़ते। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट होंगे, जो इनको मैंने पढ़ाया था टीआरई वन में भी, और उन्होंने भी अपीयर किया होगा, इस बार पेपर को अच्छा किया होगा भूगोल के अंतर्गत। इस बार थोड़ा कम टाइम था, थोड़ा सा मैंने कम भूगोल पढ़ाया था, ये मैं भी मानता हूँ, समय बहुत कम था पूरा भूगोल, आप भी कटौती कर, थोड़ा कटौती मैंने किया था। लेकिन पिछली बार मैंने पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया था खूब टाइम लेकर के, कोचिंग के बियॉन्ड जा करके, कोचिंग ने कहा कि मत छोड़ दीजिए सर, हो गया, खत्म कीजिए, नहीं, पूरा पढ़ाया था। अगर पिछली बार कोई हमसे ईयर वन में पढ़ा होगा तो उसका पूरा पेपर सॉल्व हुआ होगा। तो बस पेपर का लेवल वही था, बस हमारा रटने का टेंडेंसी था, एक बार समझने वाला टेंडेंसी से क्वेश्चन आ गया। सर लगातार आप लाइव ले रहे हैं, बहुत सारा कॉल भी आ रहे हैं, क्या उम्मीद किया जाए जो विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित समझे? अभी तो कट ऑफ जारी नहीं हो सकता है क्योंकि केवल और केवल 3 शिफ्ट का एग्जाम बीता हुआ है, लेकिन एक सेफ स्कोर बताया जा सकता है, अनुमानित स्कोर बताया जाता है जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर विद्यार्थी मिला रहे हैं, यूट्यूब पर मिलाए या ना मिलाए, जो विद्यार्थी एग्जाम देकर निकलते हैं और वो मोबाइल खोलते हैं, गूगल पर सर्च मारते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल होता है इस एग्जाम से, और ये एग्जाम फरवरी से पहले भी ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा जिस तरीका से लग रहा है। सर क्या उम्मीद करें विद्यार्थी? देखिए, फर्स्ट डे में जो फर्स्ट डे का जो फोबिया होता है बच्चों के बीच कि पेपर अच्छा हुआ, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा बच्चे हमको मिल रहे हैं, ज्यादा मत कीजिए बल्कि खराब पेपर होने वाला एक भी बच्चा हमको नहीं मिला है। सारे बच्चे, एक जो यूट्यूब पे लाइव भी आया, मेरा कमेंट भी जो आया, मैंने कमेंट पढ़ा, 90% बच्चों ने कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हालांकि फर्स्ट डे में सारे लोग यही बोलते हैं मेरा पेपर अच्छा हुआ, मिलाते जाते स्कोर कमता चला जाता है। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए पेपर कितना भी कैसा भी आंसर की जारी होगा, पेपर बच्चों का जिसने कहा कि मेरा अच्छा हुआ उनका अच्छा ही हुआ होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा लोगों का ओपिनियन है, कट ऑफ पिछले बार की तुलना में बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो हमारा सोशल साइंस का कट ऑफ हो सकता है पिछली बार के मुकाबले बढ़े बढ़े, यानी कि लगभग 70 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, 70 पार भी जा सकता है, 70 से कम नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। सर इस बार सीट को देखा जाए और आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, तो इसके अनुसार सब कुछ देखते हुए सर कट ऑफ भी बढ़ जाएगा? देखिए सर, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो ईबीसी में कट ऑफ कम जाएगा, बीसी 2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बीसी 2 में तो वही कट, चूंकि बीसी 2 का आरक्षण 2% बढ़ा है मात्र, एसटी का आरक्षण 1% बढ़ा है, ईबीसी का जो आरक्षण का दायरा सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो ईबीसी के कट ऑफ में अंतर पड़ेगा, जनरल कट ऑफ में और बढ़ेगा, कमेगा नहीं, ईबीसी का घटेगा बहुत तेजी से, लेकिन बीसी 2 में उतना ही कट ऑफ होगा। लेकिन सोशल साइंस का कट ऑफ मुझे लगता है 68 से 70, 70 से पार ही जा सकता है, कम नहीं जा सकता, पर अभी मेरे पास कुछ ही बच्चों का अभी तक आया ओपिनियन, कल डिटेल में मैं पूरा एनालिसिस कर लूंगा, और भी हजारों बच्चों का आ जाएगा, उसके आधार पर मैं जो बता रहा हूँ 70 जो है वो सेफ है, 65 पार वाले भी सेफ हैं, लेकिन तत्काल अभी 65 पार वाले भी सेफ हैं, लेकिन कल काम पूरा एनालिसिस कर लेंगे तभी होगा। 1 लाख छात्रों को ऑफर करके मिल रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों, 6000 रुपए का कोर्स, यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफर करके मिल रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव जुड़ेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है, और पूरा का पूरा फ्री, 6000 रुपए की जगह पे जीरो हो जाएगा। कोड लगाना है TOA100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी पेड कोर्स को खोलिए, ऑफिसर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। साइंस की बात करें तो साइंस का कट ऑफ पिछले बार के जैसा ही रहेगा, लेकिन गणित का कट ऑफ स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कमेगा, कमेगा इसलिए गणित आसान था,
सारे क्वेश्चंस बनाने वाले थे, लेकिन कैलकुलेशन इतना लेंदी था कि लोगों से स्कोर कम हुआ है, इस वजह से गणित का कटो पिछले बार के मुकाबले कम होगा। सर पिछला बार भी मैथ्स का जो प्रश्न था वह साइंस की अपेक्षा आसान था और विद्यार्थी यही सोच रहे थे कि इस बार भी आसान आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया गया और आयोग आयोग होता है, आयोग सुप्रीमो है, और कैलकुलेटिव दे दिया, जिसके कारण वहां भी सर समस्या। क्या मैथ्स में कटअप 70 पार हो सकता है या उसके आसपास रहने? नहीं सर, पिछले बार से कम होगा, पिछले बार से 100% कम होगा। तो पेपर पिछले बार जैसा ही था मैथ का, पर कैलकुलेशन लेंदी था, लोगों को टाइम लगा, इस कारण से स्कोर कम हुआ, इसलिए कट ऑफ गणित में कम जाना चाहिए। दूसरी बात, कट ऑफ कम जाना चाहिए या फिर देखिए एक्चुअली सीट भी कम है, लेकिन सीट गणित में कल बढ़ा है, पता होगा आपको, गणित में सीट बढ़ा है। मुझे लगता है कट ऑफ पिछले बार के मुकाबले कम ही होगा या उसके मैक्सिमम जाएगा तो उसके बराबर जाएगा, बढ़ेगा नहीं। सर हिंदी और इंग्लिश की बात करें, यदि भाषा पेपर वन आप पास करते हैं तभी आपका अलग काउंट होगा, तभी आपका चेक होगा, और हिंदी इस बार ऐसा दिया गया है, अभी तक का जो 3 शिफ्ट की बात करें उसमें सभी चैप्टर को लगभग टच करने का प्रयास किया गया है, और ये कोशिश किया जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी जो सभी प्रश्न को स्किप कर देते हैं कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वही प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। तो सर हिंदी को लेकर जो विद्यार्थी आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या आप सजेस्ट कीजिएगा? देखिए ये आयोग जी। और आयोग चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, आप यहाँ गेस नहीं कर सकते, आयोग कभी भी चौंका सकता है। जैसे पिछली बार अगर बीपीएससी सिविल सर्विस की बात करते हैं तो वहां भी कई बार चौंका दिया जाता है, हिस्ट्री के सवाल ही गायब कर दिया जाता है, कभी कभी साइंस बढ़ा दिया जाता है, कभी बायो कम कर दिया जाता है, कभी हिस्ट्री बढ़ा दिया जाता है। आयोग की तैयारी यदि आप करते हैं तो समझिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाना होगा, अगर आप गेस करके जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर ये तो एसएससी का पेपर नहीं है, ये पीसीएस का पेपर है, आप पीसीएस जब भी क्वेश्चन सेट करता है तो आपको चौंकाएगा, इसलिए आप बिल्कुल गेस करके ना जाएं, या बिल्कुल कोई ऐसा टीचर बोल दिया कि आप इसी चैप्टर को पढ़ लीजिए, यदि टाइम हो तो पूरा पढ़ के जाएं, ये मेरा कहना है। लेकिन अब कल का पेपर के लिए, जो कल पेपर होगा या फिर 13 को होगा या फिर 16 को होगा, अब क्या कर पाएंगे? सर ई विकल्प के लिए आपका क्या सुझाव होगा, क्योंकि आप लंबे समय से बीपीएससी का एग्जाम देते आ रहे हैं, अब ई विकल्प हटा है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी को सबसे अधिक परेशान करने वाला कोई प्रश्न है तो वह ई विकल्प हो जा रहा है। बच्चे चूंकि अनुभवी कम है इसमें, जो गाँव देहात के महिला खासकर है या सुदूर गाँव से जो आते हैं, वह हर प्रश्न में सोच रहे हैं कि ई होगा क्या। सर इस पर आप क्या कहिएगा, उनको क्या सुझाव? देखिए ई विकल्प है जी, उसमें सिविल सर्विसेज से हटा ई विकल्प, यहाँ पर है ई विकल्प। मुझे लगता है कि ई इनमें से एक से अधिक जी, ये बहुत कम प्रश्नों का अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया है जी, जो 60-62 के बाद जो आया ई विकल्प, जब से मैं देख रहा हूँ पेपर, बहुत कम प्रश्नों का उत्तर इनमें से एक से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है जी, पर इनमें से एक से अधिक वाला विकल्प बहुत कम होता है, 3-4 प्रश्नों का उत्तर ही ऐसा आता है, मैक्सिमम 5 प्रश्नों का उत्तर ऐसा आता है। इसलिए अगर ऐसा कभी लगे, एकदम कंफर्म लगे, तभी आप इसमें एक से अधिक लगाइएगा, और ना कंफर्म ना लगे तो उस पर आप चांस मत लीजिएगा। बहुत कम प्रश्नों का उत्तर ही होता है, जो लोग ई विकल्प कंफ्यूज है, एक से अधिक उत्तर को लेकर कंफ्यूज है, उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन है तो उस प्रश्न को आप जो कंफर्म है उसी में ई विकल्प का इस्तेमाल करें, वरना इस्तेमाल आप ना करें। सर अभ्यर्थी को आपका क्या संदेश होगा, जो बचे हुए एग्जाम है उसका तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये प्रश्न देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अब क्या करें, उनको क्या आप कहिए? देखिए मेरा कहना यह कि अब जिनका कल पेपर है वो तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए, रात को अच्छी नींद ले, प्रेशर अपने ऊपर आने न दें, अगले दिन एग्जाम पर टाइम से पहुंचे, क्योंकि गेट जब बंद हो जा रहा है तो 1 मिनट भी लेट हो रहा है तो गेट खुल नहीं रहा है, लोगों को वापस लौटा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो टाइम से आप अपने सेंटर पे पहुंचे, प्रेशर मत लीजिए, बिल्कुल आप ही के जैसे लोग हैं, कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़ के कोई नहीं आया है, सब यही पटना और गया और मुजफ्फरपुर के ही विद्यार्थी हैं, सभी सामान्य विद्यार्थी हैं, आप उनमें बेहतर है, क्योंकि आप लगातार YouTube चैनल से पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, आपका पेपर अच्छा होगा। एक बढ़िया संदेश ये है कि आप 5 मिनट बाद पेपर शुरू करिए चलेगा, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, बुकलेट का सीरीज, सिग्नेचर, डेट, ये सब अच्छे से देख करके भर लीजिएगा, तभी पेपर शुरू करिएगा। अगर नहीं पता चले तो इन्विजिलेटर से आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आप पिछली बार बहुत लोगों का रोल नंबर, इस बार भी लगातार कमेंट आ रहा है, हम ये गलती कर दी, हम ये बार भरने में ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ यूट्यूब पे भी आकर के, प्लीज सबसे 10 मिनट बाद पेपर शुरू करिए, लेकिन रोल नंबर, बुकलेट सीरीज, ये सब ठीक से भर लीजिए, उसके बाद ही पेपर शुरू कीजिए, क्योंकि बेसिक को है। आप कितना भी बेहतर पेपर करिए, रोल नंबर छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ऐसे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले भर लीजिए, तभी आप आगे पेपर को करिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप लगातार किसी भी चैनल पर जाकर कमेंट देखिए, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं, ओएमआर सीट भरने में, सिग्नेचर करने में, इन सारे चीज से बचे, अन्यथा इस बार रिजल्ट आप
वंचित रह जाएगा, कितना भी अंक बना लीजिएगा। यह भी प्रयास करें यदि आप हिंदी में पास करिएगा तभी आपका कॉपी जांच होगा, यह भी ध्यान दें और सभी ध्यान पूर्वक बात को समझे और उसके बाद ओएमआर को भरने का प्रयास करें। 2 मिनट लेट हो जाए वह चलेगा, लेकिन ओएमआर गलती हो जाए ये नहीं चलेगा। जय हिंद।